Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. I'm Amar Ansari. आप सभी लोगों का कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा के इंटरवल तक के रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? बट फ्रेंड्स, शहजादा की कहानी शुरुआत होती है किस तरह से, यहाँ पर परेश रावल जो है यहाँ पर अस्पताल में जाता है एंड अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को रिप्लेस कर देता है एंड जो दूसरा बच्चा रहता है जिससे वो रिप्लेस करता है वो गाइज एक बहुत बड़े परिवार का रहता है, जहाँ पर रोनित रॉय है, मनीषा कोइराला है, सचिन खेड़कर है एंड किस तरह से वो चाहता है कि जो जिंदगी उसने नहीं जी उसका बेटा जो है शहजादा बन के रहे. शहजादा यहाँ पे नन अदर बंटू यानी कि कार्तिक आर्यन होता है. कार्तिक आर्यन लॉयर है एंड एक लॉ फॉर्म में काम करने जाता है कृति सनन के पास. किस तरह से कहानियाँ वहाँ से आगे बढ़ती है, यही कहानी है फिल्म शहजादा की. शहजादा इज अ स्मार्ट रीमेक. रोहित धवन ने यहाँ पर जो ओरिजिनल चीज़ों की अच्छी बातें हैं उसको तो रिटेन किया ही है, अपनी तरफ से और एडिशनल पॉइंट्स भी डाले हैं. बट इट इज़ अ कार्तिक आर्यन शो राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन, जहाँ पर कार्तिक आर्यन फुटबॉल के ग्राउंड में जो एक्शन सीक्वेंसेस करता है, स्लो मोशन फाइटिंग एक्शन में कार्तिक को बहुत कम देखा है. अरे पहली बार उसने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्शन किया है. द केमिस्ट्री बिटवीन कार्तिक आर्यन एंड कृति सनन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. दोनों गानों में बहुत अच्छे लगते हैं. पहला गाना जहाँ पे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मुंडा सोना मैं कुड़ी तू करोड़ दी, एक्सलेंटली कोरियोग्राफ. बट द सीन्स बिटवीन कार्तिक आर्यन एंड परेश रावल स्टैंड आउट. दोनों के बीच में कॉमेडी सीन्स, दोनों के बीच में जो नोकझोंक होती है वो वाले सीन्स बहुत अच्छे हैं. लेकिन द मोनोलॉग किंग इज नन अदर देन कार्तिक आर्यन. हर एक डायलॉग, चाहे वो लॉ का डायलॉग हो, जब वो सेक्शंस बोलते बोलते एक्शन करता है या फिर जब वो इंटरव्यू देने जाता है, पहला वाला सीन वहाँ पर हर एक डायलॉग कार्तिक आर्यन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे किया गया है. BGM काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बड़ी है और यू गाइस अच्छी फिल्म है. अभी इंटरवल तक आपको हंसाती है. एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे दिए गए यहाँ पर, बोर होने का मौका ज़रा भी नहीं देती है एंड इंटरवल तक एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर. बहुत महीनों से यहाँ पे परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर नहीं आई थी, ये एक फिल्म एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है. यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं एंड कार्तिक आर्यन टेक्स दिस फिल्म ऑन हिज शोल्डर. उसका स्क्रीन प्रेजेंस, उसके डायलॉग, उसके कॉमेडी, उसका एक्शन, कार्तिक आर्यन ने रोल बहुत अच्छी तरीके से किया है. टिल नाउ फिल्म काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है. आई गिव शहजादा 3.5 out of 5 स्टार्स इन द इंटरवल. गाइज, व्हाट स्टैंड्स आउट इज कार्तिक आर्यन एक्टिंग प्री इंटरवल. माय गुडनेस गाइज, पूरा का पूरा एक इमोशनल सीन है गाइज, हॉस्पिटल सीन है. कार्तिक आर्यन हैज जस्ट वन ओवर मी. इट्स इमोशनल, आपको रोना आएगा, लेकिन वो पूरा एक साइलेंस की तरह उसने एक्टिंग किया है. इज कम्प्लीटली इमोशनल मैन. सीरियसली कार्तिक परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म इज ब्रिलियंट. द प्री इंटरवल सीक्वेंस वेरी साइलेंट इज इमोशनल, दैट इज वेरी गुड. इंटरवल बहुत अच्छे मोड पर आपको छोड़कर जाता है एंड उस सीन के बाद जो गुस्सा करता है, जो डायलॉगबाजी करता है, माइंड ब्लोइंग मैन. कार्तिक आर्यन टिल द इंटरवल यू आर सुपर्ब मैन. गाइज, बहुत मजा आने वाली इंटरवल के बाद. तो भैया हम मिलेंगे इंटरवल के बाद. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.